शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भाई। हाँ बोल। कैसे बोलूं सर, मारी ऐसी भी क्या बात है, नसबंदी करा के आयो क्या? अरे नहीं नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हो, तौबा 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 तौबा। ओ आपको लेके बड़ा बवाल मचा हुआ है ये सोशल मीडिया पे। किस बारे में? जो वीडियो डाल रहा है उस पे आपके बारे में। नहीं मतलब वो उसमें एक सब्जी वाला है, उसका कहना है कि आपने उसकी सब्जी चोरी की थी, और एक ये पुलिस वाला है वो उसका मानना है कि वो। अरे शायरी क्यों कर रहे हो यार, ठीक से बोलो ना। नहीं भाई वो मतलब वो पुलिस वाले का कहना है कि उसने आपकी कस के धुलाई की थी। नहीं मतलब वो उसका कहना है, वो हौलदार। दिखाओ वीडियो दिखाओ। अरे नहीं 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 भाई। अरे नहीं भाई मतलब, अरे लाओ ना यार। ये क्या है, ये तो बंदूक की कोई दुकान लग रही है भाई। तो नहीं वाली है, मैंने भी नहीं देखी थी ये। मैं हूँ इस वक्त जुबेर आर्म्स के प्रोपराइटर जुबेर साहब के साथ। जुबेर साहब मैं आपके साथ हूँ। हाँ जी बोलिए। डी ने पहली बार आपके यहाँ से गन खरीदी थी क्या? जी जनाब, दरअसल बंदूकों की मरम्मत के लिए हमें गन ऑयल की जरूरत पड़ती थी। ओके। और वो हमें पिक्चर भी अच्छा है और साउंड भी अच्छा है। क्या सप्लाई किया करते थे? सप्लाई किया करते थे। तो ये एसोसिएशन कब तक रहा आपका उनके साथ? ज्यादा देर नहीं चल पाया, पर बात ऐसी है कि वो माँ लक्ष्मी के गोडाउन से तेल चुरा कर हमें सस्ते भाव में बेचा करते थे। दो तीन महीनों तक चला होगा ये सिलसिला। उसके बाद क्या होना था, दोगले साहब आए जी और उठा के ले गए। ओके। ओ तबीयत से धोया है ना उसे, बस उसके बाद इक्का दुक्का दिखे होंगे इधर किधर। जी जब भी आपको इक्का दुक्का दिखे तो आपकी क्या बात हुई उनसे? एक बात बताइए जी, जिस्म का टूटा हुआ आदमी कभी बोलता है? बोलना बहुत चाह लेकिन उन्होंने, हाँ लेकिन सूजे हुए होंठों से शायरी निकली है कभी? भला निकली है? नहीं निकली है। ओके। बस इतना इतना ही कह गए, ये धंधा अब हमसे नहीं हो पाएगा। जी पहली बंदूक आपसे कब खरीदी थी उन्होंने? 1989। जी दो दोस्तों के साथ आए थे, तीन हैंडगन और दो पिस्टल खरीदने। तो क्या प्राइस रहा होगा तीन हैंडगन और दो पिस्टल का? अरे कहाँ बिकी जनाब, दरअसल बात ऐसी है, हमारे इस गोडाउन के पीछे हमारा एक मैदान है जहाँ बंदूकें टेस्ट की जाती है। अब ये भाई साहब को भी हम वहाँ ले गए टेस्ट कराने के लिए। मानेंगे नहीं, ऐसा लग रहा था गधे के हाथ में संडासी दे दियो जी। ना गन के सर का पता ना पैर का पता, फिर भी कहेंगे कि हम चलाएंगे। मैं क्या चला लीजिए भाई, हमें भी तो बिक्री करनी जी, थी जी, जी। बस फिर क्या था, गन उठाई बंदूक चलाई जी, बंदूक के वजन से कलाई मुड़ गई और निशाना चूक गया। निशाना तो चूक नहीं था? बिल्कुल सही कहा जनाब, लेकिन निशाना लगा बाजू वाली दुकान के छत पे। अच्छा, तीन की थी, तीन कारीगर मर गए। होना क्या था, ना चाहते हुए डी ने अपना पहला मर्डर कर दिया। अच्छा फिर? फिर क्या होना था, बस हमने कहा फटाफट निकल जाओ इससे पहले कि लाशें बिछ जाएं। फिर क्या होना था, फिर दोगले साहब आए और ले गए, बस फिर क्या बोला। तो इस तरह से डी ने किया अपना पहला मर्डर। तो अपना रिस्पांस देने के लिए हैशटैग ट्वीट कीजिए #truthaboutd #गोली के पीछे क्या है। कौन है? पता लगा गिरधारी जी, इसकी तुम मैं आराम से भाई, बीपी बढ़ जाएगा। पता लगा तो पता लगा जी, जी, जी। वैसे भाई क्या वैसे तो और वीडियो है? क्यों हंस रहे थे भाई? आप हंस रहे थे। हेलो। हाँ अबे, बिल में उंगली डालने के पहले सोच लिया होता कि बिल चूहे का है कि सांप का। कौन बोल रहा है? तीन दिन से तू नाटक किए हुए ट्विटर पे, तुझे पता नहीं मैं कौन बोल रहा हूँ? डी। अबे डी तुझे पर्सनली फोन करेंगे तो आप कौन बोल रहे हैं? ये जरूरी नहीं है मैं कौन बोल रहा हूँ, जरूरी ये है कि तू जो नाटक कर रहा है ना उसको खत्म कर दे, नहीं तो हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तुझे खत्म करने में। ये नाटक बंद नहीं होगा,
इंडिया फ्री कंट्री है, यहाँ आजादी है बोलने और दिखाने की। ओए फ्री कंट्री, ग्लोब पे उंगली रख ले, कंट्री तो सब है, फ्री कोई ना हमारे लिए। ये जो दिखा रहा है ना झूठ है, बंद कर इसको। क्या क्या गलत है उसमें? कांस्टेबल और भाजी वाले की मानो तो सब सच है। ए, मरेगा तू और तेरे भाड़े के एक्टर्स, समझ लेना। तू समझ नहीं रहा है, ये नाटक बंद नहीं होगा। तू मुझे गोली मरवाना चाहता है ना, मरवा दे। तुझे मुझे मरवा के क्या हासिल होगा? देख, सोशल मीडिया पे एक बार कोई कांड हो जाता है ना तो उसकी आवाज सदियों तक गूंजती है। तेरे भाई की इज्जत का फालूदा तो होना ही होना है। हाँ, एक ऑप्शन है। अच्छा, केबीसी खेल रहा है मेरे संग। भाई से बोलो मुझे पर्सनल इंटरव्यू दे, जो सफाई देनी है उस इंटरव्यू में दे, उसको टेलीकास्ट करने की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ठीक है। ए, तेरी फूफी चाची मौसी खाला तू। भाई गाली मत दे, मेरा काम करना। अब अगला कॉल तभी करना जब भाई इंटरव्यू के लिए मान जाए। ओके। ए, हेलो ते दीमा। तो ये सारा हंगामा उसने इंटरव्यू के लिए मचा रखा है। जी भाई। हाँ बोल दे। क्या क्या कह रहे हैं? हाँ बोल दो उसको। कैसे? मौका है गिरधारी, बहुत हो गया मजाक। जो कल तक डरते थे आज हंस रहे हैं। सबको ये पता होना चाहिए कि D4 डर होता है। भाई आप मतलब इंटरव्यू देंगे, टीवी पे आएंगे, उसको यहाँ आना ले जाना सियापा हो जाएगा। अरे सिक्योरिटी का रिस्क है इतना। कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है गिरधारी, उसे सिर्फ लाना है। मतलब ये कि तू इंटरव्यू के लिए हाँ बोल दे, मैं उसे लाइव टीवी पे मारूंगा। हेलो। कल दोपहर 3:30 बजे पिंडी बाजार, अकेले आना। कौन बोल रहा है? तेरे को इंटरव्यू चाहिए ना तो पहुंच जाना। टिंडे बाजार ना? भिंडी बाजार। आलू बाजार ना? और भिंडी बाजार सुनता नहीं क्या? हाँ हाँ भिंडी बाजार, लेकिन भिंडी बाजार में कहाँ? हेमंत जनरल स्टोर में 100 ग्राम इलायची मांगना। 200 ग्राम ना? 100 ग्राम इलायची। इलायची ठीक है, भिंडी बाजार राइट? हाँ भिंडी बाजार। ओके। Roy, my boy, we are in Elaichi. I mean, we are in business. Yes. समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, नहीं। ये देखो इलायची। वो तो मैंने ही मंगवाई थी, घर में खत्म हो गई थी ना। ये लो, खीर बनाने में काम में आएगी। तुम्हें वहाँ सिर्फ 4 आदमी को लेकर जाना है, मुझे पहले ही बताना। ये लो। ठीक है, ये तुम्हारे टिकट हैं। वहाँ पहुँचने से पहले इसे खोलना मत, समझ तो गए होंगे क्या आफ्ताब भाई ने भेजी है। जाएंगे कैसे? राजस्थान में बीकानेर के पास एक बाहिद गांव है, वहाँ परसों 4 बजे दोपहर को पहुँच जाना। काली माता के चौक के पास तुम्हें एक चाय की टपरी मिलेगी, वहाँ पे उड़ता चिकन बुलेट चाट लेना है। भैया 4 उड़ता चिकन चाट देना। कॉफी विद टी, दम है तो पी कॉफी विद टी, जी में दम है तो पी कॉफी विद टी। ओ भाई, आफ्ताब भाई की निशानी मिल गई। लौंडे सही हैं। आंखों पे पट्टी नहीं बांधेंगे सर, जिससे मुझे रास्ता दिखाई ना दे? देख ले, कोई बात नहीं, आते हुए तो तू वैसे भी नहीं देख पाएगा। क्यों जी? क्योंकि आते वक्त तो तू बॉडी बैग में आएगा ना। कॉफी
भाई, मतलब कौन है? अच्छा अच्छा, मैं। ओए, क्या बेच रहे हो आजकल सब्जी दुकान? मेरी कोई दुकान नहीं है सर, मैं मेकअप मैन हूँ सर। अच्छा अच्छा, चुप रहे सब्जी दुकान। ओए मैडम, ओए, फोटो नहीं। क्यों? मोबाइल अंदर, नो फोटो। सॉरी सॉरी। उस दिन तो फोन पे बड़े शेर बने हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे निकल के मारोगे हमें। आज तो घबराए हुए दिख रहे हो ऐसे। अब तक पहुंचना था, वरना मेरा आपसे क्या मुकाबला? मतलब? मतलब डी सर से अभी मिलेंगे, बाद में? मिलेंगे बाद में आराम से। ये आपकी वाइफ है? नहीं, नहीं। सिस्टर है? ना ना। गुलाम को गिरधारी कहते हैं। अब हाथ मिला लो या बैग ही दे दो। हेलो, चलिए चलो।